सब्सक्राइब करें इंडियन मिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाइए देश और दुनिया के रहस्यों को सबसे पहले जानने के लिए। भारत परंपरा और मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ के हर हिस्से से कोई ना कोई अनोखी परंपरा जुड़ी रहती है। कुछ परंपराएं तो ऐसी है जिनके बारे में देश के काफी कम लोग जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं इंडियन मिस्ट्रीज। चलिए भारत की ऐसी ही सात अनोखी वज्रज भरी परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। लेटे हुए लोगों को रोंदती हुई गायें। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कुछ गांवों में दिवाली के अगले दिन एक अजीब परंपरा निभाई जाती है। इस दिन उज्जैन जिले के भीड़वाड़ और आसपास के गांव के लोग पहले अपनी गायों को रंगों और मेहंदी से अलग अलग पैटर्न से सजाते हैं। उसके बाद लोग अपने गले में माला डालकर रास्ते में लेट जाते हैं और अंत में उनके ऊपर से दौड़ती हुई गायें निकल जाती है। बच्चों का लिंग पता करने की अनोखी परंपरा। झारखंड के बेड़ो प्रखंड के खुखरा गांव में मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करने की एक अनोखी परंपरा पिछले 400 सालों से चली आ रही है। गांव में एक पहाड़ पर चांद की आकृति खुदी है जो ये बता देती है कि मां के गर्भ में पल रहा बच्चा बेटी है या फिर बेटा। गर्भस्थ शिशु का लिंग पता करने के लिए गांव की गर्भवती महिलाओं को इस चांद की आकृति पर कुछ दूरी से एक पत्थर फेंकना होता है। अगर गर्भवती स्त्री के हाथ से छूटा पत्थर चांद के भीतर लगे तो ये संकेत है कि लड़का होगा और चांद की आकृति से बाहर पत्थर लगे तो इसका मतलब लड़की होगी। इस परंपरा पर गांव के लोगों का अटूट विश्वास है। उनके हिसाब से ये हमेशा सही होता है। पति की सलामती के लिए जीती है विधवा का जीवन। भारत की अनोखी परंपराओं में से एक परंपरा ये भी है जिसमें पति की सलामती के लिए पत्नी को विधवा का जीवन जीना पड़ता है। ये परंपरा उत्तर प्रदेश के गछवा समुदाय से जुड़ी है। इस समुदाय के लोग ताड़ के पेड़ों की ताड़ी निकालने का काम करते हैं। 50 फीट से ज्यादा ऊंचे और एकदम सपाट पेड़ों पर चढ़कर ताड़ी निकालना बहुत ही जोखिम का काम होता है जो कि चेत मास से सावन मास तक 4 महीने किया जाता है। गछवा महिलाएं 4 महीनों में ना तो मांग में सिंदूर भरती है और ना ही कोई श्रृंगार करती है। वे अपने सुहाग की सभी निशानियां तरघुला देवी के पास रखकर अपने पति की सलामती की दुआ मांगती है और विधवा की तरह रहती है। बच्चियों की कुत्तों से शादी। भारत में कई परंपराएं तो ठीक है लेकिन अगर हम इस परंपरा को कुरूती कहें तो ज्यादा सही होगा। झारखंड राज्य के कई इलाकों में भूतों का साया और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवाई जाती है। हालांकि ये शादी सांकेतिक होती है पर होती है असली हिंदू तरीके और रीति रिवाज से। शादी में आने के लिए लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और पूरे मंत्र विधान से शादी संपन्न करवाई जाती है। इस शादी में एक असली शादी जितना ही खर्चा बैठता है और उससे भी बड़ी बात कि समाज एवं रिश्तेदार भी इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। नागपंचमी पर पीटा जाता है गुड़िया को। उत्तर प्रदेश में नागपंचमी को अनूठे ढंग से मनाया जाता है। यहाँ पर इस दिन गुड़िया को पीटने की अनोखी परंपरा है। नागपंचमी को महिलाएं घर के पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाकर चौराहे पर डालती है और बच्चे उन्हें कोड़ों से और डंडों से पीटते हैं। इस परंपरा के बारे में कई कहानियां व कथाएं भी प्रचलित है। बारिश के लिए कराई जाती है मेंढकों की शादी। महाराष्ट्र में अच्छी बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। शादी के लिए मेंढकों को फूलमाला पहनाकर सजाया जाता है। इसके बाद धूमधाम से इनकी शादी रचाई जाती है। लोगों का मानना है कि इससे बारिश के देवता खुश होते हैं और बारिश कर देते हैं। मेंढकों की शादी में इंसानों की तरह पूरे विधि विधान का पालन किया जाता है। उन्हें वरमाला पहनाई जाती है और सामान्य शादी की सारी रस्में निभाई जाती है। शादी के बाद दोनों को एक साथ गांव के तालाब या कोई अन्य जलाशय में छोड़ दिया जाता है। कुंवारे लड़के शादी के लिए खाते हैं औरतों से मार। ये परंपरा राजस्थान के जोधपुर में निभाई जाती है। यहाँ की महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए 16 दिन का उपवास रखती है और आखिरी दिन ये उत्सव मनाया जाता है जिसमें शादीशुदा महिलाओं के साथ कुमारी लड़कियां भी भाग लेती है। रात में औरतें सज धज कर घर से बाहर निकलती है। अलग अलग रंगों के कपड़े और गहने से लदी महिलाओं के हाथ में एक डंडा भी होता है
रात में महिलाएं इस डंडे से कुंवारे लड़कों की पिटाई करती है और लड़के चुपचाप मार खाते हैं। मान्यता है कि जो लड़का मार खाता है उसकी एक साल में शादी हो जाती है। मतलब मार खाओ ब्याह रचाओ। और खास बातें कि इसमें विधवाएं भी हिस्सा लेती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसमें अब विदेशी महिलाएं भी भाग लेने लगी है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें जिससे ये जानकारी देश के अन्य लोग भी जान सकें। भारत और विश्व के अन्य रहस्यों को जानने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे को जरूर ऑन कर दें जिससे नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल के अन्य वीडियो को जानने के लिए बाईं तरफ के वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप भारत से जुड़े किसी भी रहस्य को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।